नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है कि आप हेल्दी रहे, फिट रहे। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं आपका मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आजकल पसलियों में दर्द की समस्या अधिकतर लोगों में देखी जा रही है, युवाओं में भी पसलियों के दर्द की परेशानी अधिक हो रही है, साथ ही ये रोग बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। ये दर्द खांसी या छींक आने पर और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर पसलियों को झटका लगता है और वो दुखने लग जाती है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे क्यों होता है पसलियों में दर्द और कैसे पाए इस भयानक दर्द से छुटकारा। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मालिश के 10 फायदे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों होता है पसलियों में दर्द। सर्दियों में जब सताए पसलियों का दर्द, तो इसे ना करें अनदेखा। पसलियों का दर्द कहीं बन ना जाए परेशानी। वैसे तो पसलियों में दर्द होना कोई खतरनाक रोग नहीं है, लेकिन जिनकी पसलियों में दर्द होता है उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी मूल वजह क्या होती है। देखिए, पसलियों का दर्द जो है आमतौर पर चेस्ट पेन, जिसको कि यानी कि जो हमारी रिब्स का एरिया है, उसमें यदि आपको दर्द हो, उसके निचले हिस्से में हो, बीच में हो, एक तरफ हो, दोनों तरफ हो, तो उसको जनरली हम कहते हैं कि पसलियों में दर्द हो रहा है, रिब्स में पेन हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण, क्योंकि इसके नीचे वाले जितने ऑर्गन्स हैं हमारे, उनमें कोई खराबी हो सकती है। यानी कि अगर आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, टीबी की भी प्रॉब्लम हो, या बलगम खांसी की कोई प्रॉब्लम हो, या जो आपका फूड पाइप है उसमें एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिडिटी से भी हो सकता है, आपको गैस ज़्यादा बन रही है, वो भी आपके ऊपर की तरफ जब अटैक करती है तो आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। लिवर हमारा है, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम, दर्द भी कई बार ऊपर आ जाता है, या कभी कभार पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनके जो दर्द हैं वो भी ऊपर की तरफ जो है, अगर ज़्यादा गैस बन रही है तो वो भी ऊपर की तरफ दबाव डाल करके हमारी पसलियों में यानी कि चेस्ट में पेन पैदा कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो है लिवर या उससे रिलेटेड कोई सीरियस बीमारी, जैसे कैंसर है या लंग्स का कैंसर है, या कोई और गांठ वगैरह अगर बन जाए तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है, और केवल मसल्स में स्टिफनेस होने से भी दर्द हो सकता है। मांसपेशियां जो हैं हमारी, उसमें कहीं किसी प्रकार का जो अकड़ाहट वहाँ हो जाए, स्टिफनेस पैदा हो जाए, उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। और रिब्स में फ्रैक्चर हो जाए, आपकी पसलियां टूट जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है आयुर्वेद में, क्योंकि कारण समझ करके ही हम रोग का सही रूप से निवारण निकाल सकते हैं। और अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि पसलियों में दर्द की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके? जी देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो दर्द ही होगा आपको। दर्द किसी भी एरिया में होगा आपको, तो दर्द बहुत माइल्ड भी हो सकता है, बहुत मध्यम हो सकता है, बहुत तेज दर्द भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है, कभी कभार ये भी देखा गया कि सांस थोड़ा सा तकलीफ से आता है, सांस लेने में, अगर खास तौर से लंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, या फिर कभी कभार पसीना थोड़ा आ जाता है, हार्ट बीट कभी कभार तेज हो जाती है, या पेट में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, इसके साथ साथ पसलियों के साथ साथ पेट में भी थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, या पेट में थोड़ा अफारा महसूस हो सकता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ा बुखार, हल्का सा फीवर भी हो सकता है, और थकान डेफिनेटली हो सकती है। जब पेन होता है तो थकान होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, इस तरह के लक्षण आमतौर पर इसके देखने को मिलते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं पसलियों के दर्द से निजात पाने के घरेलू नुस्खे क्या हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले सिंपल नुस्खा है, तिल का तेल लें, उसमें थोड़ा अजवाइन और अदरक या लहसुन डाल करके उसमें पका लीजिए अच्छी तरह से। ये जो तेल बन जाता है, इससे जेंटल मसाज करें तो कई तरह के जो पसलियों के दर्द हैं इसी से गायब हो जाएंगे। साथ में चाहें तो थोड़ा गर्म कपड़ा या बड़ा कॉटन का एक पीस ले लें, गरम तवे के ऊपर उसको गर्म करके उससे सिकाई कर सकते हैं, या गर्म पानी की बोतल से भी आप सिकाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत बढ़िया रहेगा कि थोड़ा एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच ताज़ा धनिया होता है उसका रस, तीनों को मिला करके चुटकी भर हींग डालें उसमें, वो आप पी लीजिए। चाहे तो थोड़े गर्म पानी में मिला करके पिए, चाहे से डायरेक्टली पी लें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। दो लौंग
दो काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक एक कप पानी में डाल करके उबाल लें, दो तीन तुलसी के पत्ते मिले तो वो भी डाल लें, अच्छी तरह से बॉईल करके ये पानी गर्म गर्म पिए, उससे भी आपको पेट में इसमें पसलियों के दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और एक तेल हमारा बहुत बढ़िया है पेन काम ऑयल, पहले भी मैं जिक्र करता हूँ, किसी भी प्रकार का दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, ये तेल तो आपको सबको रखना चाहिए अपने घर में, बहुत कारगर तेल है, बहुत अच्छा तेल है, उसकी मालिश करने से भी आपको पसलियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ख़ास तौर से वो लोग जिनको कि बहुत पुराना रोग हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, कई जगह आपने इन्वेस्टिगेशन करा लिया, इलाज भी करा लिया, उनसे मेरा निवेदन है, सेहत का नंबर आपके पास है, फोन करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, अच्छी तरह से अपने रोग को समझाएं और उसका पूर्ण रूप से इलाज बिल्कुल संभव है, उसको कर लीजिए। और अब डॉक्टर साहब आपसे बहुत अहम सवाल पूछना चाहते हैं, जिनको पसलियों का दर्द है उनको खाने पीने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, दर्द जब होता है तो ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना आपको, खास तौर से ठंडा पानी, ठंडा कुछ जो है बर्फ से का चिल्ड कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर आइसक्रीम, ऐसी चीजों का सेवन। दूसरी जो है बादी वाली चीजें, उड़द की दाल है, राजमा है, छोले, गोभी, भिंडी वगैरह, इसका सेवन नहीं करना है। एसिडिटी के कारण अगर दर्द है तो एसिडिक चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिए। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है मिठाइयाँ नहीं खानी है, ज़्यादा तली चीज़ें नहीं खानी है, नियमित रूप से थोड़ा सा मालिश वालिश करते रहिए तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुर हैं चंडीगढ़ से, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे परेशानी है कि मेरा पेट बहुत खराब रहता है। अच्छा। मुझे वॉशरूम जाना होता है तीन से चार टाइम जाना होता है। अच्छा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप जो है क्या खाना खाने के बाद जाते हैं या कभी भी जाते हैं? मैं कुछ भी खाता हूँ तो तुरंत जाना होता है, फिर 15 मिनट के बाद। और पेट में कुछ मरोड़ वगैरह होती है, दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है पहले, फिर एकदम जाना होता है। देखिए, ये क्या लक्षण है, ये आपका इनडाइजेशन का लक्षण है, अजीर्ण का लक्षण है, यानी कि आपका भोजन ठीक से पच नहीं रहा है। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपकी अग्नि मंद है, यानी कि अग्नि ठीक नहीं है, विकृत है अग्नि, या फिर जो है आप खाना ज्यादा खाते हैं, या आप चबाते ठीक से नहीं है, कई चीजें हो सकती हैं। मैं आपको इसलिए बार बार समझाता हूँ कि हर चीज को समझना है कि आपकी प्रॉब्लम का क्या कारण है। इनडाइजेशन के भी बहुत सारे कारण हैं, कोई फूड ऐसा हो सकता है जो आपको सूट नहीं करता है। आजकल तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी व्हीट से एलर्जी हो रही है, कोई कहता है जी हमें जो है नट्स से एलर्जी होती है। तो एलर्जी भी एक प्रकार की हमारी डाइजेस्टिव शक्ति कमजोर होने का संकेत है। तो ये चीजें मैं आपको विस्तार से इसलिए बताता हूँ कि हमें आपका प्रॉपर इलाज करना है, हमें आपको ठीक करना है। लेकिन अभी आपको एक छोटा सा नुस्खा जरूर बताता हूँ। एक हमारे यहाँ पर एक चूर्ण आता है, लवण भास्कर चूर्ण, बहुत इजीली मिलेगा आपको कहीं पर भी, पाचन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करेगा। वो तो शुरू कर दो आप, एक चम्मच खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से, या छाछ अगर आप पीते हैं दोपहर को या सुबह, छाछ में घोल करके आप उसको पिएंगे तो बहुत फायदा करेगा आप। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ आपको, रोग को यदि ठीक करना है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके अपनी व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना करके आप उस रोग को खत्म कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सिमरन है उत्तर प्रदेश से, क्या जानना चाहती हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं मुरादाबाद यूपी से बोल रही थी। हाँ जी। सर मेरी उम्र 31 साल है और मुझे काफी टाइम से ना ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैंने चेकअप भी कराया था, कोई मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा। पर थोड़ा सा कार्य करने पर काफी ज्यादा एकदम से सांस फूलने लगता है। देखो, ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है ना, आजकल पोल्यूशन से भी होता है, बहुत सारा जो पोल्यूशन हमारे शहरों में हो गया है, धूल का पोल्यूशन है, धुएं का पोल्यूशन है, काफी सारे केमिकल्स का पोल्यूशन है, तो वो क्या है अंदर जाकर के हमारे फेफड़ों को इरिटेट करता है। कई बार इरिटेट करेगा तो वहां पर जो है एक तरह का रिएक्शन भी होता है, खांसी भी होती है कभी कभार, या फिर जो है इन्फ्लेमेशन अंदर हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, उससे सांस जो है खिंच के आएगा। डॉक्टर भी बोलेंगे आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस, ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा दो तीन चीजें हमें समझनी है कि एक तो हमें अपने लंग्स को साफ कैसे रखना है, साफ रखने के लिए कुछ ना कुछ जो है हमें थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए, और लंग्स को मजबूत कैसे रखना है। तो आज ही च्यवनप्राश तो एक जरूर मंगा लीजिए जीवा से, आप फोन करके बाई पोस्ट आपके घर आ जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, होम डिलीवरी हमारी है आपके घर पर,
तो वो च्यवनप्राश रेगुलर खाना शुरू करिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताऊं कि 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग और थोड़ा सा ताज़ा अदरक, ये 1 कप पानी में उबाल लें अच्छी तरह से, सुबह भी और शाम को भी, तो इसको गरम गरम पीना चाहिए, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपके फेफड़े भी मजबूत रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आयशा है मुंबई से, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। एक्चुअली मुझे ये जानना था, मेरी एज है 19, हाँ जी, बट मेरी आईज बहुत वीक हो रही है। अच्छा जी, तो आईज वीक होना, देखिए उसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है। एक तो थोड़ा पोषण का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, विटामिन ए, गाजर वगैरह का सेवन करिए, सेब का सेवन करिए, हमारे यहाँ आंवले का हम जिक्र करते हैं, आंवले का सेवन करिए। आप जो है चाहे तो बादाम बहुत अच्छा काम करता है, बादाम 50 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए, पीस करके चूर्ण बना लो, उसमें 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च का चूर्ण बना के मिला लीजिए, ये मिक्सचर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये पोषण भी देता है, आपके सिस्टम को ठीक करता है, पेट को भी ठीक रखेगा। दूसरी चीज़ जो है, आपको जब आंखों से कोई भी काम करते हैं, खासतौर से अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, थोड़ा सा उसमें बीच में ब्लिंकिंग करो, पानी के छींटे मारते रहिए, थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो फिर आपकी आंखें डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि अभी 19 साल की उम्र में आंखें आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। आजकल तो मैं 6-7 साल के बच्चे चश्मे लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, ना हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ना उनको हमसे कि किस प्रकार से उन्हें अपनी आंखों का ध्यान रखना है, तो बच्चे जो है वो फिर आंखों को मिसयूज करके, गलत यूज करके अपनी आंखें उनकी खराब कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रीति है मुंबई से, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे ना काफी हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा जी, कब से हो रहा है हेयर फॉल? जी 1 ईयर हो गया है, काफी हेयर फॉल हो रहा है और हमेशा रूसी रहती है सर में। देखिए हेयर फॉल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने दुखी हैं हेयर फॉल से, और दुनिया भर का इलाज कर चुके हैं, इसलिए तो कितने सारे तो प्रोडक्ट आ गए हैं आजकल हेयर फॉल के ऊपर ही। सारा देखो तो टीवी में कितने ऐड आते रहते हैं, अखबार में कितने ऐड आते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से लोग उतने ठीक हो नहीं रहे, तभी रोज ना कुछ नया आ जाता है। मैं आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ हमेशा, आंवला खाना शुरू करिए, ऑयलिंग जरूर करिए, तेल जरूर लगाइए बालों में, सप्ताह में 2 बार तेल लगाइए, और इसके अतिरिक्त जो है अपना जो है माइंड, उसको बिल्कुल आपको वॉच करना है। आजकल बहुत सारे जो युवा वर्ग के लोग या किसी भी एज ग्रुप के लोग मैं देखता हूँ, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कविता है दिल्ली से, क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में? हाँ जी। अच्छा, कब से हो रहा है जी दर्द आपको? 1 साल। 1 साल से? तो सूजन भी आती है उसमें क्या? नहीं नहीं, सूजन नहीं है। नहीं। और दर्द ज्यादातर कब होता है? चलने फिरने पर होता है, बैठे बैठे होता है, सीढ़ियां उतरने में, चढ़ने में? हाँ जी, बैठे बैठे। बैठने पर होता है? बैठे बैठे दर्द होने का मतलब है कि आपके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी समथिंग इज ब्लॉक्ड, हमारे आयुर्वेद में कहते हैं आम जमा हो जाता है, वो एक कारण हो सकता है, या वायु का प्रकोप होकर के भी कई बार दर्द होता है, पर वो ज्यादातर चलने फिरने पर होता है। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल ये मैं कह सकता हूँ आपको कि आप पेट का ध्यान रखिए जरूर। जिन लोगों को मैंने देखा है कि जोड़ों का दर्द होता है, उनका पेट कई बार बहुत पुराना खराब होता है। आपका भी यदि पेट खराब है और जोड़ों का दर्द अभी शुरू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए। दूसरा, अभी केवल छोटी सी चीज मैं बताऊंगा, हम पाचन को लेकर के चलते हैं, तो आप केवल सौंठ का चूर्ण अगर आप सेवन करना शुरू करेंगे सुबह शाम, गर्म पानी से सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह आधा शाम को ये शुरू करें, हफ्ता 10 दिन में आपको फर्क दिखेगा। उसके बाद आपको आयुर्वेदिक औषधियां भी हम देंगे और आपके रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत है मध्य प्रदेश से, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी एज 19 साल और मेरी आई साइट दिन बदन वीक होती जा रही है। जैसे आई साइट कमजोर हो रही है? हाँ जी, पानी निकलता है और मतलब दर्द भी होने लगता है, वो कम दिखाई देता है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम देखो भैया, इसमें कई बार तो आपकी विजन की प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी जो है आंखों का जो लेंस के पीछे जो इमेज नहीं बनती है प्रॉपरली, तो उसमें मांसपेशियां ठीक नहीं है, चश्मा लोग लगाते हैं फिर, तो एक तो एक्सरसाइज आंखों की जरूर करना चाहिए आपको, तो उसमें आई बॉल रोटेशन ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना, फिर एंटी क्लॉक वाइज, इस तरह से उसको एक्सरसाइज करने से आपकी आंखों की मसल स्ट्रांग होगी। दूसरा, जैसा आप कह रहे हो कि पानी आता है,
तो पानी के लिए आपको कुछ थोड़ा पानी के छींटे मारें, गुलाब जल आंख में डालें, खीरे का स्लाइस काट करके दोनों आंखों पर रख करके ऐसे लेट जाएं थोड़ी देर, तो ये चीजों से आपको रिलीफ मिलेगा। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीवा में हमारे यहाँ आईज का विशेष इलाज किया जाता है, आंखों के किसी प्रकार के आपके रोग हों, हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, जो हम केवल आंखों का ही इलाज करते हैं, तो उसके लिए जरूर आज ही संपर्क करें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040404 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मालिश के 10 फायदे क्या है।